वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो गया है, डे आने वाला है और स्टार्ट हो रही है नायका की पिंक लव सेल विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑफ द ईयर। दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड बाय द वे, बट अगर आप कंफ्यूज हो कि वैलेंटाइंस वीक और द वीक ऑफ लव में आप अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट करो, तो दिस इज गोना बी द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine. Titles आप लोग पढ़ चुके हो कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। अब आप सिंगल हो या कमिटेड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वैलेंटाइंस पे गिफ्ट तो बनता ही है एंड व्हाट बेटर गिफ्ट दैन सेल्फ केयर, राइट। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट्स जो सालों सालों से मेरे फेवरेट हैं एंड देयर आर गोना बी ऑल कैटेगरीज कवर्ड, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, बॉडी केयर, फ्रेग्रेंस, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स नहीं शेयर करने वाली हूँ, प्रोडक्ट्स वही होंगे जो मुझे बहुत टाइम से पसंद है प्लस उन पे अभी सेल पे अच्छा ऑफर चल रहा होगा, क्योंकि ऑफर के बिना वाले प्रोडक्ट्स तो मैं कभी और भी शेयर कर ही सकती हूँ, राइट। तो आप इस सब में से कोई एक प्रोडक्ट चुनो या बहुत सारे प्रोडक्ट्स चुन के एक अच्छे से हैम्पर क्यूरेट कर लो, वो आपके ऊपर है। बट दिस इज द परफेक्ट वीडियो एंड द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू गेट अ वैलेंटाइंस गिफ्ट फॉर योरसेल्फ और योर पार्टनर एट सम अमेजिंग ऑफर्स। जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज की वीडियो में बताऊंगी उन सबके अफिलिएट लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो चेक देम आउट इफ यू वांट टू एंड सब्सक्राइब to my channel if you haven't already. Now without any further blabbering, let's just dive right into the video. सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ हेयर केयर कैटेगरी की, because that is something that I am going to gift myself. कुछ नए प्रोडक्ट्स लूंगी बट हाँ ये प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। सो फर्स्ट वन विल बी दिस WishCare का 100% प्योर कैस्टर ऑयल। इसकी पैकेजिंग अब चेंज हो चुकी है बट दिस इज अ वेरी वेरी थिक ऑयल विच एक्चुअली वर्क्स। कैस्टर ऑयल को आप किसी भी कैरियर ऑयल के साथ यूज कर सकते हो फॉर योर आईलैश ग्रोथ, फॉर योर आईब्राउ ग्रोथ और for your hair growth and this one actually works. I have been using it for a long time now. और इस सेल में ये आपको मिल जाएगा 51% ऑफ पे 196 रुपीस का which is originally for 400 रुपीस, so that is amazing. आप इसको definitely पिकअप कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑयल उतने ज्यादा पसंद नहीं होते हैं, they rather prefer serums on the everyday basis. तो this is the serum that I have been loving and obsessing over since a long time. मैं कितनी बार आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर चुकी हूँ। ये है प्लम का कोकोनट एंड स्कोलेन न्यूट्रीशाइन हेयर सीरम। इट इज अ वेरी वेरी लाइट वेट येट मॉइस्चराइजिंग हेयर सीरम। फ्रिज बिल्कुल टेम कर देता है और बहुत ही हेल्दी सी शाइन आपके बालों को दे देता है। ये परफेक्ट एवरीडे सीरम है और ये एक हीट प्रोटेक्टेंट की तरह भी काम करता है। दिस हैज विटामिन ई एंड आमंड ऑयल। इट इज अ रियली रियली गुड सीरम। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर टिपिकल हेयर सीरम। और इस सेल में आप लोगों को ये मिलेगा 15% ऑफ पे 404 रुपीज का, सो डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। नाउ अगर बात करें अपने हेयर केयर रूटीन की विच इज शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, मैं चेंज करती रहती हूँ बिकॉज आई लाइक ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो काम करते हैं, काफ़ी नहीं करते, बट दिस इज वन रेंज दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड। मतलब आई जस्ट फेल इन लव सिंस द फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज किया था। तो मैंने इसका तीनों का कॉम्बो मंगाया था, द शैम्पू, कंडीशनर एंड हेयर मास्क। दिस इज द लव ब्यूटी एंड प्लैनेट की आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर रेंज। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फ्रिजी हेयर। इसका शैम्पू और हेयर मास्क में यूज करके खत्म करके फेंक चुकी हूँ, बट कंडीशनर अभी बचा हुआ है बिकॉज आई डोंट यूज कंडीशनर्स दैट मच, बट दिस इज अ रियली गुड कंडीशनर, सो आई विल रिकमेंड कि आप इसकी पूरी रेंज ही खरीद लो। द शैम्पू एंड द कंडीशनर इज ऑन 40% ऑफ एट 810 रुपीज, यानी 810 में आपको दोनों शैम्पू कंडीशनर दोनों मिल जाएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हेयर केयर रेंज आउट देयर इन द मार्केट। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा एंड यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ अ हेयर स्पा एट होम। इट जस्ट स्मेल्स डिवाइन एंड योर हेयर विल फील बटरी स्मूथ। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। एंड इसका जो हेयर मास्क है वो आपको मिलेगा 30% ऑफ पे 420 रुपीज का। दैट हेयर मास्क इज अमेजिंग। नाउ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट हेयर मास्क, ये एक और हेयर मास्क है जिसको मैं 2-3 सालों से यूज कर रही हूँ। इसके दोनों वेरिएंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। दिस वन इज द प्लम ऑलिव एंड मैकेडेमिया मेगा मॉइस्चराइजिंग हेयर मास्क। अब इसी का एक ऐसी सिमिलर पैकेजिंग में एवोकाडो हेयर मास्क आता है विच इज फॉर ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। दिस वन इज ऑल्सो फॉर ड्राई, फ्रिजी एंड डैमेज्ड हेयर। अब तो प्लम का जो ये कोकोनट वाली रेंज है इसका भी मास्क आ गया एंड दैट इज ऑल्सो रियली गुड। सो ऑल इन ऑल जितना मेरा एक्सपीरियंस है, प्लम के हेयर मास्क आर रियली रियली ग्रेट एंड इस सेल पे प्लम पे आपको एनीवेज बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं। सो दीज हेयर मास्क यू विल गेट फॉर 26% ऑफ एट 500 रुपीज। हेयर केयर की जब बात आती है तो मेरे लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ी इशू हो रखा है हेयर ग्रोथ एंड उसके लिए ये दो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हुए हैं। This product I haven't tried on myself yet, but I did recommend it to a friend and I think it is working for her. Not sure though. But ये वाले product की मैं 2 bottles खत्म कर चुकी हूँ and this is the third one. इसकी review मैं अपने channel पर आपको पहले भी दे चुकी हूँ. Pilgrim का Redensile and Anagen Advanced Hair Growth Serum, and this one you will get at a 30% off for 627 rupees. and ये है WishCare का हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट. ये तो वायरल जा चुका है इंटरनेट पे, सब इसको यूज़ कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ रेविंग अबाउट इट. सो आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली वर्थ द हाइप. लाइक मैंने भी यूज़ नहीं किया है बट आई फील इट विल वर्क बिकॉज ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन दिस प्रोडक्ट. एंड इस सेल पे ये आपको मिलने वाला है 32% ऑफ पे 679 का. मैंने फुल प्राइस पे खरीदा है, आप पक्का इसको सेल पे ले लो. हेयर केयर हो गया, अब बढ़ते हैं स्किन केयर की तरफ. नाउ स्किन केयर में कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो मेरी फेवरेट है एंड आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, जिसमें से कि एक ब्रांड है डॉटिन की. आई हैव क्वाइट लिटरली ट्राइड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स. न्यू लॉन्चेस को छोड़ के जितने पुराने प्रोडक्ट्स हैं मैं सारे यूज़ कर चुकी हूँ. एंड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी डॉटिन की के ऊपर, तो आप उस वाली वीडियो को एक बार रेफर कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहने वाला है. डॉटिन की एज अ ब्रांड इज माई पर्सनल फेवरेट. मैं अपने कुछ फेवरेट्स नीचे लिंक कर दूंगी बट मैं अभी वीडियो में नहीं बता रही हूँ बिकॉज एक तो मैं पहले वीडियो कर चुकी हूँ एंड सेकेंडली मैं इतने सारे फेवरेट्स है कि अगर मैं बताती रही तो ये वीडियो शाम तक चलने लगेगा. मूविंग ऑन टू द सेकेंड ब्रांड विच आई एब्सोल्युटली लव इज प्लम. मैंने भी हेयर केयर में भी आपको काफी सारे ऑप्शंस दिए थे. प्लम पे भी आई थिंक अप टू 30% ऑफ जाने वाला है. नाउ क्लेंजर की अगर मैं बात करूं तो मुझे प्लम का जो ग्रीन टी क्लेंजर है वो बहुत पसंद है. इनफैक्ट मुझे ग्रीन टी वाली पूरी रेंज ही पसंद है. फेस वॉश मेरा ओवर हो चुका है बट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द ग्रीन टी पोर क्लेंजिंग जेल फेस वॉश. ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये वाली रेंज बहुत अच्छी वर्क करती है. सो ये अभी आपको फेस वॉश मिलेगा 15% ऑफ पे 234 रुपीज़ का. एंड दिस इज द टोनर फ्रॉम द सेम रेंज. अगेन अगर आप ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टाइप हो, आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है या फिर हल्का हल्का एक्ने हो रहा है, ज़्यादा नहीं, सो दिस इज अ रियली रियली ग्रेट टोनर. इट इज़ एन अल्कोहल फ्री टोनर. ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सी एक फीलिंग दे देता है यूज़ करने के बाद. एंड दिस टोनर अगेन यू विल गेट फॉर 15% ऑफ फॉर 332 रुपीज़. आई लव दिस मॉइस्चराइजर. ये है प्लम का ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री. इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, इफ यू हैव कॉम्बिनेशन skin, if you have blemish prone skin, this moisturizer is really really good. Summers में तो ये एकदम perfect होता है. Winters में मैं इसमें 2 से 3 drops hyaluronic acid डाल के use करती हूँ and I love this moisturizer. इस सेल पे ये आपको मिलेगा 18% off पे 385 रुपीज़ का, which is a great deal. आप चाहो तो इस ग्रीन टी वाली रेंज को कॉम्बो में भी ले सकते हो, वो भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे अभी मिल जाएगा. नाउ वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट प्लम, ये 2 प्रोडक्ट मेंशन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं बहुत सालों से इन्हें लिटरली रीपर्चेज करके यूज़ कर रही हूँ. आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, उनमें भी आपको ये वाले प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. सो बेसिकली आई लव ऑल द सीरम्स फ्रॉम प्लम. इनके मैंने जो यूज़ किए 4 सीरम्स आर विटामिन सी, नाइसिनमाइड, रेटिनॉल एंड हाइलोरॉनिक एसिड. एंड आई लव ऑल द 4 सीरम. आप आंख बंद करके इन चारों में से कोई भी सीरम अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग पिकआउट कर सकते हो एंड यू विल लव दी सीरम्स. विटामिन सी पे तो अगेन मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, तो आप वो चेकआउट कर लेना. बट दिस नाइसिनमाइड सीरम हैज़ बीन माई एब्सोल्यूट फेवरेट फॉर द पास्ट 2 ईयर्स. मैं इसे काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ. बट दिस इज अ सीरम कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या यूज़ करना, दिस इज अ रियली ग्रेट सीरम इफ़ यू आर लाइक कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप. ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है. इसमें नाइसिनामाइड एंड राइस वाटर है और वो दोनों मिलके ये एक्चुअली आपके ब्लेमिशेस को लाइट करेगा. अगर आपको एक्ने मार्क्स है, इस वाले नाइसिनामाइड सीरम को यूज़ करके देखो, यू विल एक्चुअली सी अ डिफरेंस एंड आपकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड एंड प्लम्प भी रहती है. सो दिस इज़ अ रियली रियली ग्रेट फॉर्मुलेशन. ऐसा सीरम मैंने इस के अलावा और कोई नहीं देखा है. लाइक यूजुअली देयर आर वेरी वाटरी ट्रांसपेरेंट सीरम्स. दिस इज़ अ वेरी मिल्की वाइट क्रीमी सा कंसिस्टेंसी में सीरम है. बहुत ही अच्छा सीरम है. डेफिनेटली चेक दिस वन आउट. ये वाला अभी आपको मिलेगा 15% ऑफ पे 552 रुपीज़ का। बट प्लम के बाकी सारे सीरम्स भी मेरे बहुत फेवरेट हैं, मेरे अभी ख़त्म हो गए हैं, सो आई कैन शो यू इन द वीडियो, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली चेक दम आउट, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। एंड दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट प्लम का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये है प्लम का ई ल्यूमिनेंस बाम। बहुत सारी हॉल वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं इसे खरीदती रहती हूँ। दिस इज़ बेसिकली अ मेकअप रिमूविंग क्लेंजिंग बाम, डबल क्लेंजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले मैं इसे सिर्फ मेकअप के लिए यूज़ करती थी, बट आजकल मैं सनस्क्रीन भी इसी से रिमूव करती हूँ, बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जब मैं इसको यूज़ करके डबल क्लेंजिंग डेली करती हूँ, मेरी स्किन पे कोई टाइनी बम्प्स नहीं होते। मुझे कमेंट में आ भी रहा था टाइनी बम्प के लिए सोल्यूशन, यूज़ दिस क्लेंजिंग बाम। एंड इसको यूज़ करने के बाद अपने नॉर्मल फेस वॉश से आप फेस वॉश करो रात में सोते टाइम, नॉट इन द मॉर्निंग, and you will definitely see a difference. So this is a really great cleansing balm. और अभी सेल में ये आपको मिल जाएगा at 14% off for 469 rupees, which is a great deal. Get your hands on this. आप सनस्क्रीन की अगर बात करें तो काफी सारी सनस्क्रीन हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कमेंट्स में बताना अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी सारी टॉप सनस्क्रीन्स रेकमेंड करूँ, बट दिस हैज़ बीन माई मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन। ये है डॉक्टर शेथ्स की सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन, SPF 50 PA++, एंटी पोल्यूशन, एंटी विजिबल लाइट, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड दिस हैज़ अ रियली ग्रेट कंसिस्टेंसी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और थिन है। ऐसे करके आप लगाओगे एंड देयर इज़ नो वाइट कास्ट, लाइक आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको इसको अच्छे से रब करना है अपनी स्किन पे कि थोड़ी देर में वाइट कास्ट हटेगा। नो, इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर बट विद SPF ऑब्वियसली। सो इट इज़ अ रियली गुड कंसिस्टेंसी एंड आई थिंक मेरी ऑयली स्किन को भी बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। एंड इवन ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वुड लव दिस सनस्क्रीन। अभी सेल पे ये आपको मिल जाएगी 25% ऑफ पे जस्ट फॉर 374 रुपीज़, विच इज़ अ ग्रेट डील। आई वुड रेकमेंड, ये तो खरीद ही लेना। नाउ ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मेरे पास आपको शो करने के लिए थे, बट देन देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत पसंद है, बट आई एम रियली सॉरी आई डोंट हैव द एम्प्टीज़ विद मी, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूँगी बिकॉज आई हैव loved those products and how। तो सबसे पहले है ये पिलग्रिम का स्कॉलिन ग्लो मॉइस्चराइजर विद नाइसिनामाइड एंड वाइटामिन सी। ये मॉइस्चराइजर है, इसी में सेम वेरिएंट में एक स्लीपिंग मास्क भी आता है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, दे विल गिव यू दैट नेचुरल ग्लो, आपको दिखेगा डिफरेंस, लाइक योर स्किन विल शाइन, बहुत अच्छे से एकदम शाइन ग्लो देता है। एंड अभी मिल जाएगा 30% ऑफ पे 385 रुपीज़ का, विच इज़ अ ग्रेट डील। ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो गो फॉर सेटाफिल प्रोडक्ट्स, अभी आपको मिल जाएंगे 16% ऑफ पे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे ड्राई सेंसिटिव स्किन के लिए। चेक आउट द क्लेंजर, क्लेंजर इसका ऑयली स्किन के लिए भी आता है, यू कैन चेक दैट आउट। इफ़ यू आर लाइक कॉम्बिनेशन स्किन टाइप तो यू गो फॉर दिस मॉइस्चराइजिंग लोशन, एंड इफ़ यू आर अ ड्राई स्किन टाइप गो फॉर दिस DAM थिक मॉइस्चराइजर है। एंड यू विल लव सेटाफिल प्रोडक्ट्स, लाइक दे आर डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव्ड। टॉकिंग अबाउट अ क्लेंजर जो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, आप कोई भी स्किन टाइप हो एक्सेप्ट फॉर इफ यू आर लाइक एक्सट्रीमली ड्राई स्किन। अगर लाइक आप नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन टाइप हो एंड यू नीड अ जेंटल क्लेंजर विदाउट एनी एक्टिव्स इन इट, देन डेफिनेटली गो फॉर द सिंपल का क्लेंजर। इसे भी बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत बार रेकमेंड कर चुकी हूँ। अभी 30% ऑफ पे 270 रुपीज़ का मिल रहा है, और ये काफ़ी बड़ी ट्यूब होती है, बहुत लंबा लास्ट करती है। सो ये क्लेंजर जरूर चेकआउट करना अगर आपने नहीं किया है। दिस इज द परफेक्ट मॉर्निंग क्लेंजर टू जस्ट रिफ्रेश योर स्किन एंड अवेकन। मॉइस्चराइजर ये मेरा होली ग्रेल रह चुका है, जब से चैनल स्टार्ट किया है मैं इस मॉइस्चराइजर को अगेन खरीद के यूज करके खत्म कर चुकी हूँ। आजकल इसे दोबारा रीपर्चेज नहीं किया है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर दैट आई नीड टू फिनिश फर्स्ट, बट दिस इज स्टिल माई फेवरेट। आई स्टिल रिमेंबर हाउ माई स्किन फील्स जब मैं इस प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। एंड अभी ये 32% ऑफ पे 323 रुपीज़ का 200 ml मिल रहा है। इससे ज़्यादा सस्ता और अच्छा मॉइस्चराइजर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे डेफिनेटली चेकआउट करना। नाउ देयर इज़ वन लास्ट ब्रांड दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट, विच इज़ मिनिमलिस्ट। उस पर अभी ज़्यादा ऑफर नहीं है, इट इज़ 5% ऑफ, एंड आई थिंक बाय टू गेट वन का भी इस पर ऑफर लगेगा नायका की पिंक लव सेल पे। तो देयर आर 3 प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत पसंद है एंड आई विल रेकमेंड। तो सबसे पहले ये 2% सैलिसिलिक एसिड प्लस LHA फेस क्लेंजर है, पहले भी बहुत बार रेकमेंड किया है। अभी आपको मिलेगा 284 रुपीज़ पे। इफ़ यू आर ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन स्किन टाइप आपको ये बहुत पसंद आएगा। दिस इज़ दैट सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर जो कि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है स्किन पे, बट इट क्लीन्स योर स्किन एंड हाउ यू विल लव हाउ योर स्किन फील्स। सर्दियों में थोड़ा सा इसको स्किप करो, यूज द सिंपल का क्लेंजर, गर्मियों में ये आपको बहुत पसंद आएगा। टॉकिंग अबाउट टोनर, दिस इज द 3% PHA फेस टोनर। ये बहुत अच्छा टोनर है, इसको लगाते ही आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी फील होती है। इट इज़ जस्ट अ वेरी फील गुड प्रोडक्ट। एंड इसको लगाने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे सीरम्स और मॉइस्चराइजर जो मेरे स्किन पे सीप इन अच्छे से करते हैं। सो दिस इज़ अ गुड टोनर। बस इसकी मुझे पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं लगती बिकॉज आई प्रेफर टोनर्स ऑन अ स्प्रे बॉटल, बट ये ऐसा कॉटन पैड पे लेके आपको लगाना पड़ता है। बट इट इज़ अ गुड टोनर। एंड अगेन आपको 5% ऑफ पे 379 का मिल रहा है, विच इज़ अ गुड डील। एंड मिनिमलिस्ट के सीरम्स मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हुए हैं एंड आई हैव लव्ड मोस्ट ऑफ देम, बट आई डोंट रिमेंबर एंड आई डोंट हैव द एम्प्टीज। बट येस, वन सीरम जो मुझे बहुत पसंद आया था वो था इनका नाइसिनामाइड सीरम, विच इज़ 10% नाइसिनामाइड, जो अभी आपको 5% ऑफ पे 569 रुपीज़ का मिल रहा है। इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन जो कि टी जोन पर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ये आपके ऑयल कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ब्लेमिशेस फेड करने में हेल्प करता है एंड आपकी स्किन को थोड़ा हाइड्रेट भी करता है। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर नाइसिनामाइड। एंड इनके जो अदर सीरम्स भी हैं आप अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग ले सकते हो, बिकॉज मिनिमलिस्ट के मैंने बहुत सारे सीरम्स यूज़ किए एंड दे हैव नेवर फेल्ड मी। ओके, अब 2 कैटेगरीज बची हुई हैं। वन इज़ अ बॉडी केयर / फ्रेग्रेंस / वन टूल दैट आई वॉन्ट टू शेयर। एंड लास्ट में होने वाले हैं मेकअप प्रोडक्ट्स। इफ योर गर्ल इज अ मेकअप जंकी डेफिनेटली वेट फॉर दैट सेगमेंट। बट ये 3 प्रोडक्ट है जो मैं फटाफट रेकमेंड कर देती हूँ। सबसे पहले है ये नायका की हैंड क्रीम। नायका पे अप टू 25% ऑफ जाने वाला है। दिस हैंड क्रीम यू विल गेट फॉर 30% ऑफ 209 रुपीज का। एंड दिस हैंड क्रीम इज रियली गुड, लाइक इट इज थिक एंड वेन यू वॉश योर हैंड्स, स्पेशली विंटर्स में हैंड्स काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, यू जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ दिस मॉइस्चराइजर एंड ओ माई गॉड माई हैंड्स फील रिवाइव्ड अगैन। एंड इट स्मेल्स ब्यूटिफुल एंड इट इज नॉन स्टिकी। मतलब मुझे मॉइस्चराइज करना हाथों को इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि जब भी मैं कोई मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, आफ्टर आई वॉश माई हैंड, माई हैंड स्टार्ट फीलिंग लाइक आई कैन फील दैट देयर इज समथिंग, सो आई जस्ट फील द नीड टू वॉश दम अगेन। बट इसके साथ क्या होता है, मुझे मेरे हैंड्स मॉइस्चराइज्ड एंड दे आर नॉट फीलिंग वेरी स्ट्रेची एंड वेरी ड्राई, बट एट द सेम टाइम दे आर सुपर मॉइस्चराइज्ड एंड जस्ट गुड टू गो। सो देयर इज अ सेट ऑफ परफ्यूम दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस। ये ऐसे पॉकेट परफ्यूम है एंड वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, वेरी गुड फ्रेग्रेंसेस। मैं मोई बाय नायका काफी बार रेकमेंड कर चुकी हूँ, लिंक फिर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये नए परफ्यूम्स हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले खरीदे एंड आई हैव बीन ऑब्सेस्ड, लाइक ये चारों ही फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये रेने के परफ्यूम्स हैं, रेने के EDP हैं एंड दिस वन लाइक मैंने पैक ऑफ 4 मंगाया था जो अभी आपको 39% ऑफ पे 609 रुपीज़ का मिल जाएगा। ओरिजिनल MRP 1000 रुपीज़ एंड दिस इज सच अ ग्रेट डील बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। प्लस ये सारी ही जो फ्रेग्रेंसेज हैं, आई हैव हर्ड कि कोई ना कोई 1-2 इसमें से तो किसी हाई एंड परफ्यूम के ड्यूब्स भी हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। But this one, the Red Noir, is my absolute favorite. It is such a beautiful fragrance. Now I am very bad at explaining fragrances, so I will not even attempt. But all of these 4 are really good. Like this Bloom is a very florally sweet floral fragrance. ये जो Dark Desire, it is a very sexy fragrance to say the least. But the name says Dark Desire, and it absolutely justifies the name. This one is the Oud Aspire, and it smells like I don't know what, but this is one fragrance that I'm not very sure about. This is a very different fragrance. आप इसको sniff करोगे तो आपको पता चल जाएगा what I'm talking about. It is a very different fragrance. But ये एक ऐसा set of 4 perfume है जिसमें से एक भी perfume ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँगी कि you can skip on this because ये चारों ही perfumes काफ़ी ज़्यादा अच्छी fragrance के हैं एंड लाइक द नोट्स एंड द लॉन्जेविटी इज रियली रियली गुड. ये सेट ऑफ 4 ले सकते हो, बट इफ यू वांट लाइक अ पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस तो आप इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. एंड इसकी बड़ी EDP बॉटल्स भी आती है तो आप वो भी ले सकते हो. बट आई विल रेकमेंड इफ यू हैवंट ट्राइड दीज परफ्यूम्स आउट, डेफिनेटली आप ये सेट ऑफ 4 लो ताकि यू विल गेट एन आइडिया ऑफ वॉट ऑल द 4 फ्रेग्रेंसेज स्मेल लाइक. एंड उसके बाद आप फ्यूचर में अपने लिए जो भी आपका फेवरेट है उसकी फुल साइज EDP बॉटल ले सकते हो. एंड इस कैटेगरी का लास्ट प्रोडक्ट आई डेफिनेटली हैव टू शेयर विद यू ऑल. दिस इज द अगारो का वॉल्यूमाइजिंग हेयर ड्रायर ब्रश जो मैं कुछ महीनों से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव गॉटन परफेक्ट एट इट, इसलिए मैंने इसका वीडियो भी शूट कर लिया है जो कुछ टाइम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बट दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. लाइक अगर आप सुबह हेयर वॉश करके सर्दी में बाहर नहीं जाना चाहते हो, यू जस्ट प्लग दिस वन इन. एंड कुछ अगर आपको नहीं भी करना है, नहीं समझ आ रहा है कैसे ब्लो ड्राई करना है, जस्ट रन इट थ्रू योर हेयर. बट मैसीली एकदम आपके बालों को स्ट्रेट कर देगा. पोकर स्ट्रेट नहीं होंगे, दे विल गेट स्ट्रेट एंड दे विल बी मैनेजेबल and they will be dry. Like I have this much of hair on my head and पूरे hair को dry करके blow dry. Like I have blow dried, like properly I blow dried my hair and it took just 15 minutes and this is the day 3. Like मैंने 3 दिन पहले वीडियो शूट किया था और 3 दिन पहले मैंने अपने बालों को ब्लो ड्राई किया है and this is what my hair looks like today. Like there is no frizz whatsoever and my hair feels like they are freshly blow dried. So काफी अच्छा, पूरे हफ्ते के लिए मेरे बाल sorted हो जाते हैं once I use this. And it is a great product. This one you'll get for 53% off for 1880 rupees. मैंने ये somewhere around 2200 का लिया था. आप लोगों को बहुत अच्छी डील मिल रही है. So if you're looking out for like a blow dry brush, a straightener, जो आपका काम बहुत आसान कर दे, so this is the way to go. Okay, so अब आते हैं अपनी last category की तरफ, which has to be makeup because I love makeup. And मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसे products बताने वाली हूँ. Like it will not be that typical eyeshadow. Do this that no. मैं आपको वो प्रोडक्ट्स बताने वाली हूँ जो बहुत सारे लोगों के होली ग्रेल्स हैं, सबको पसंद आते हैं फॉर द राइट रीजंस, अफोर्डेबल हैं, प्लस इस सेल में आपको बहुत अच्छी डील्स मिल जाएंगी. तो वही प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून. सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमर्स की. सो दिस इज द स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर जो आसानी से किसी भी हाई एंड स्ट्रोब क्रीम को मात दे देता है. काफी लोग इसको कंपेयर करते हैं मैक के स्ट्रोब क्रीम से. मैंने मैक का तो यूज नहीं किया है, बट आई कैन से कि दिस इज रियली गुड. लाइक इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर एन इल्यूमिनेटिंग स्ट्रोब क्रीम, हाईलाइटिंग प्राइमर काइंड ऑफ अ थिंग, दिस इज द वे टू गो. लाइक आप देखो अभी मेरे हाथ पे नहीं पता चला, बट द मोमेंट लाइट हिट्स दिस शाइन्स लाइक ब्यूटिफुल डायमंड. बहुत ही अच्छा लगता है ये. एंड इट इज़ जस्ट द परफेक्ट मेकअप बेस फॉर ऑल दैट ग्लिट्स एंड ग्लैम पार्टी इवेंट्स. ड्राई स्किन है तो ये मॉइस्चराइज भी अच्छे से कर देता है. एंड सेल पे आपको मिल रहा है 30% ऑफ पे 300 रुपीज का, विच इज अ ग्रेट डील. नाउ टॉकिंग अबाउट 2 सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स, क्योंकि मेरे को सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स ज्यादा पसंद है. ये मेरा फेवरेट प्राइमर रह चुका है सिंस द पास्ट 3 इयर्स. जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, मैंने अपने स्टार्टिंग डेज में इसको खरीदा था फुल प्राइस पे. ये समवेयर 850 कुछ रुपीस का मुझे मिला था एंड आई लव्ड दिस प्राइमर. बट मैं इसको कम सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अपने साइज के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर्स. बहुत अच्छे से आपके पोर फिल इन कर देता है, मेकअप लास्ट करता है, स्किन बहुत स्मूद और ब्लरी कर देता है. बट आई फेल्ट कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा इसे रेकमेंड नहीं करती थी. बट अभी सेल पे ही आपको मिल जाएगा 35% ऑफ पे जस्ट 569 रुपीज़ का. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से जस्ट 569 फॉर व्हाट दिस डज, 569 इज नॉट अ लॉट ऑफ मनी. सो आप इसको ज़रूर खरीदना इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ अ बजट. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट मच बजट फॉर अ प्राइमर, गो फॉर द इनसाइड कॉस्मेटिक का 3-in-1 प्राइमर. सिमिलर है, थोड़ा ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सिमिलर है काइंड ऑफ द टेक्सचर, द कंसिस्टेंसी. पोर अच्छे से फिल कर देता है, बहुत अच्छे से आपको स्मूथ ब्लरी सा बेस देता है. वन यू विल गेट एट 20% ऑफ फॉर 220 रुपीज़. मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है. सो यू कैन चूज एंड पिक अकॉर्डिंग टू योर बजट. लाइक मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट इन कंसीलर्स से हुई है एंड आई स्टिल यूज दैम. और अभी सेल पे बहुत अच्छे ऑफर्स पे चल रहा है. तो फर्स्ट वन विल बी दिस इनसाइड का कलर करेक्टिंग पैलेट. ये कलर करेक्टिंग भी आता है आता है। और इसी में एक दूसरा शेड वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको कंसीलर और कॉन्टोर वाले शेड्स मिल जाएंगे। बट आई फील दिस पैलेट इज बेटर क्योंकि इसमें अगेन जैसे आप देख रहे हो कॉन्टोर वगैरह के लिए भी शेड मिलते हैं प्लस कलर करेक्टर्स भी मिल जाते हैं। तो इफ यू फील कि आपको कलर करेक्शन की बहुत ज्यादा नीड नहीं है बट कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो दिस इज अ रियली रियली गुड पैलेट क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनएक्सपेंसिव है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है। इसको आप अपने कंसीलर्स के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हो, ऑन इट्स ओन भी यूज कर सकते हो। इट डज द जॉब विदाउट कॉस्टिंग यू अ लॉट ऑफ मनी एंड आई एम समवन हु डजंट यूज कलर करेक्टर्स दैट मच। बहुत रेयर किसी ओकेजन पे मैं कलर करेक्टर यूज करती होंगी। सो टू स्प्लॉज ऑन अ कलर करेक्टर डजंट मेक सेंस फॉर मी, इसीलिए मैं इसी कलर करेक्टर को बहुत सालों से यूज करती आ रही हूँ। एंड अभी सेल पे ये आपको 20% ऑफ पे 168 रुपीज का मिल जाएगा। नाउ यू नो व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि ये बहुत सस्ता प्रोडक्ट है बट इट परफॉर्म्स एक्सपेंसिव एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, राइट। कलर करेक्टर की जब मैं बात कर रही थी तो एक ये कलर करेक्टर है, दिस इज लाइक अ मिक्स ऑफ कलर करेक्टर एंड कंसीलर, पीच कलर करेक्टर है ये। तो मेरे डार्क सर्कल्स एक टाइम पे हल्के हल्के आने लग गए थे। आई डोंट हैव डार्क सर्कल्स दैट मच बट जब हल्के हल्के कभी आई एम नॉट स्लीपिंग वेल और आई एम डिहाइड्रेटेड तो तब मुझे ज़रूरत पड़ जाती है तो आई यूज़ दिस कलर करेक्टर। ये है एलए गर्ल का प्रो कंसील कलर करेक्टर एंड दिस वन यू विल गेट फॉर 15% ऑफ फॉर 591 रुपीज़ ऑन द सेल। सेम इसी में मेरे पास कंसीलर भी है, इसको भी मैं 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दिस कंसीलर। दिस इज़ एवरीबडीज फेवरेट फॉर द राइट रीज़न। फुल कवरेज कंसीलर है, सब कुछ अच्छे से कंसील कर देता है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, क्रीज नहीं करता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल। तो मैं कभी कभी इन दोनों को मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ व्हेन आई हैव लिटिल डार्क सर्कल्स बट दिस वन ऑन इट्स ओन ऑल्सो वर्क्स रियली गुड। अनदर कंसीलर विच आई एब्सोल्युटली लव बट मैं उतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती बिकॉज आई हेट द पैकेजिंग ऑन दिस। इसके ऊपर वो जो स्पॉन्ज टेप एप्लीकेटर आता है वो तो मुझे बिल्कुल अनहाइजीनिक लगता था तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। मैं इसी में से निकाल के ब्रश की हेल्प से इसको यूज़ करती हूँ। बट स्टिल आप देख सकते हो कि आई हैव फिनिश्ड दिस कंसीलर, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है अब। And that is how much I've loved this concealer, even though this was not the right shade for me. ये थोड़ा सा ज़्यादा light था but मैं इसको फिर भी थोड़ा सा mix and match करके work कर लेती थी। But this is how much I loved this concealer कि perfect shade match ना होने के बाद भी मैं इसे ख़त्म कर चुकी हूँ। It speaks for itself because I have so many concealers and to finish one is अ बिग डील फॉर मी। एंड अभी सेल पे आपको 30% ऑफ पे 510 रुपीज़ का मिल जाएगा। थोड़ा सा मिड रेंज में जाता है ये बट इट इज़ अ गुड कंसीलर, इट इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर। कोई मीडियम बिल्डेबल वाला झंझट नहीं है, दिस इज अ फुल कवरेज कंसीलर एंड यू आर गोना लव दिस कंसीलर। नाउ इफ यू डोंट वांट टू स्प्लर्ज दैट मच तो आप ये वाला कंसीलर ले सकते हो। अगैन ये मेबेलिन का फिट मी रेंज का है। ये भी कंसीलर मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड इसका मैंने नया खरीदा था बट आई डोंट नो मैंने उसको कहीं पर खो दिया है। बट this is also a really really good concealer, not a full coverage concealer but your everyday medium buildable wala concealer, but this is a really really good product if you are like a beginner and aapko concealer chahiye to this is the one you should buy. abhi ye bahut achhi 35% off pe aapko just 389 rupees ka mil raha hai, bahut lamba chal jayega ye aapko and this is one of the best concealers out there in the market. and agar main sabse affordable favorite ki baat karu to aapko pata hai main kaun sa concealer bolne wali hu, it is the Swiss Beauty concealer. आई लव दिस कंसीलर। पहले मैंने लाइट ले लिया था, फिर मैंने अपनी शेड में मंगा लिया। अभी भी थोड़ा सा लाइट है बट ठीक है, काम चल जाता है मिक्स एंड मैच करके। दिस इज अ लिक्विड कंसीलर, फुल कवरेज कंसीलर और ये इतना सस्ता है। अभी सेल पे 30% ऑफ पे आपको 174 रुपीज़ का मिलेगा। आई मीन आई डोंट नो कि 174 पे हाउ आर दे मेकिंग सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इट इज़ अ फुल कवरेज कंसीलर, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है। इवन यू डोंट नीड अ ब्लेंडर और अ ब्रश, आप फिंगर से भी इसको ब्लेंड करो, बहुत ब्यूटीफुली ब्लेंड होता है एंड इट जस्ट लुक्स seamless and flawless, बहुत लंबा लास्ट करता है, set it with a good powder and it performs like a high-end concealer. तो foundation मेरे पास एक ही option है, like I had other options but उस पर अभी उतनी ज़्यादा अच्छी सेल नहीं चल रही है सो इट डिडंट मेक मच सेंस। और जिनमें सेल चल रही है वो फाउंडेशन मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, बट दिस इज अ फाउंडेशन दैट आई हैव लव्ड। दिस वॉज द फर्स्ट फाउंडेशन दैट आई एवर 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 गॉट एंड इट इज स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन। इट इज़ अ वेरी गुड एवरी डे फाउंडेशन एंड आप इसको वर्क कर सकते हो पार्टीज़ के लिए भी। सो इट इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्रोडक्ट एंड वेरी वेरी इनएक्सपेंसिव। ये इतना बड़ा बॉटल आपको सेल पे 35% ऑफ में 422 रुपीज़ का मिलेगा। बट अगर आपको इतना बड़ा साइज नहीं लेना है तो आप इसकी स्क्वीजी ट्यूब भी ले सकते हो जो आपको 21% ऑफ पे 260 रुपीज़ की मिलेगी। इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मीडियम कवरेज फाउंडेशन एंड अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो मेबेलिन का ही सुपर स्टे फाउंडेशन आता है, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, बट आई एंडेड अप कम्प्लीटली यूजिंग द बॉटल। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक मोर ऑफ फुल कवरेज काइंड ऑफ अ पर्सन। एंड वो आपको अभी 50% ऑफ पे मिल जाएगा 425 रुपीज़ का, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट डील कंसिडरिंग इट इज़ अ रियली फुल कवरेज एंड गुड गुड क्वालिटी फाउंडेशन। टॉकिंग अबाउट एन आईब्राउ पेंसिल, दिस इज़ द आईब्राउ प्रोडक्ट जो अभी जनवरी फेवरेट्स पे भी मैंने शेयर किया था। दिस इज हैंड्स डाउन द बेस्ट आईब्राउ पेंसिल दैट आई हैव ट्राइड एंड फॉर द प्राइस दैट इट कम्स फॉर आई विल से आँख बंद करके ले लो और कोई प्रोडक्ट चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आई हैवेंट यूज लाइक द हाई एंड प्रोडक्ट्स बट आई हैव यूज लाइक द शुगर का आईब्राउ पेंसिल ऑल्सो, बट दिस इज बेटर देन दैट। आई लव दिस प्रोडक्ट एंड इट इज़ जस्ट अमेजिंग। अभी 20% ऑफ में आपको 263 रुपीज़ का मिल रहा है, विच इज़ अ ग्रेट डील। इसकी पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा लक्स लगती है एंड इट हैज़ वेट टू इट, सो गेट योर हैंड्स इन दिस। नाउ देयर आर टू काजल्स दैट आई वॉन्ट टू शेयर। अगर मैं ब्लैक काजल की बात करूं तो नथिंग बेटर देन दिस। दिस इज़ द प्लम का काजल, ऑल्सो फ्लिका का काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बट देर इज़ नो ऑफर रनिंग ऑन इट एज सच, बट दिस इज़ द प्लम का काजल एंड इट इज़ वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड दिस इज़ वन काजल जो कि आपको सुबह से लेके रात तक चल जाएगा। इट विल नॉट बज इवन आफ्टर आई वॉश माई फेस, देर इज़ स्टिल काजल ऑन माई आईज। बिल्कुल माइसेलर वाटर से ईयरबड में डिप कर करके अच्छे से रिमूव करना पड़ता है वरना ये काजल कहीं नहीं हिलता। एंड अभी 20% ऑफ पे आपको 396 रुपीज़ का मिल जाएगा। आई नो इससे ज़्यादा इनएक्सपेंसिव भी काजल आपको मिल जाएंगे बट दे आर नॉट स्मच प्रूफ, दे आर नॉट वाटर प्रूफ, ट्रांसफर प्रूफ एंड ऑल दैट जैज, बट दिस वन इज रियली रियली गुड एंड फॉर 396 आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। नाउ दैट वन सेट्स रियली रियली फास्ट। तो अगर आपको ब्लेंड करके अपना टाइम लेके आराम से एक स्मोकी लुक क्रिएट करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज इट ड्राइज डाउन रियली क्विक एंड देन स्टेज फॉर लॉन्ग, सो दैट इज गुड। बट इफ यू वांट टू वर्क फॉर अ स्मोकी आई और मे बी यू नीड अ पॉप ऑफ कलर और वो जेल आईलाइनर वाले कंसिस्टेंसी में अगर आपको पेंसिल चाहिए, गो फॉर दिस नायका की ग्लैमर आईज। ये वाली मेरे पास इन द शेड जेड जिंक 03 है एंड दिस इज व्हाट द शेड लुक्स लाइक। आई एम वेयरिंग इट ऑन माई आईज राइट नाउ। इट इज़ अ वेरी वेरी क्रीमी टेक्सचर, बटरी स्मूथ, एकदम वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, बिल्कुल आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट ग्लाइड्स ऑन लाइक दिस, लुक एट द पिगमेंट। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्रीमी पेंसिल है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट काजल पेंसिल्स आउट देयर एंड इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल है, सो चेक इट आउट। जो कलर आपको पसंद है आप वो वाला कलर ले सकते हो। एंड अभी ये सेल पे आपको 10% ऑफ में 251 रुपीज़ की मिलेगी। नाउ देयर इज़ अ मेकअप फिक्सर दैट आई वुड वांट यू टू ट्राई। नाउ आई नो कि आप लोग काफ़ी सारे लोग हो जो स्विस ब्यूटी के मेकअप फिक्सर के फैंस हो, बट आपने ये वाला ट्राई नहीं किया है तो पक्का ट्राई करके देखना। ये रेने का मेकअप फिक्स सेटिंग स्प्रे है एंड इट इज़ अमेजिंग। बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है मेकअप को, बहुत ब्यूटीफुली अच्छे से मेल्ट करके you know, एक साथ वो पाउडरी सा लुक बिल्कुल भी नहीं रहता है। सो इट लुक्स गुड, फिनिश इसकी काफ़ी अच्छी है एंड थोड़ा सा बस इसमें फ्रेग्रेंस है, बट मुझे ये स्विस ब्यूटी वाले मेकअप फिक्सर से ज़्यादा पसंद आता है बिकॉज इट लास्ट्स लॉन्ग, योर मेकअप लास्ट्स लॉन्ग व्हेन यू अप्लाई दिस मेकअप फिक्सर। एंड अभी सेल पे ये आपको 30% ऑफ पे 279 रुपीज़ का मिलेगा। एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना। स्विस ब्यूटी वाली ही रेंज में है बट उससे ज़्यादा मुझे ये वाला मेकअप फिक्सर पसंद आता है बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस, सो चेक दिस वन आउट। तो मैं ये कैसे भूल जाऊँ, ये है मेबेलिन का टैटू ब्राउ 3 डे स्टाइलिंग जेल। दिस इज़ द ओनली आईब्राउ जेल दैट आई हैव। मैंने बहुत टाइम के बाद लिया था बिकॉज दिस वॉज वेरी हाइप्ड एंड आई वॉन्टेड टू सी वॉट द हाइप वॉज अबाउट एंड ओ माई गॉड, इट सेज 3 डे स्टाइलिंग एंड इट एक्चुअली इज। अब मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने 3 दिन तक इसको टेस्ट किया है, बट हाउ आई कैन से दैट इज, जब मैं क्लेंजिंग बाम से अपना फेस वॉश करती हूँ मेरा मस्कारा रिमूव हो जाता है, मेरा बेस मेकअप पूरा क्लीन हो जाता है, देयर इज नथिंग ऑन माय फेस। बट ये ब्राउ जेल नहीं निकलता है, इसको निकालना इज अ त्रास, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है रब करना, उसको आराम से टाइम लेके यू नो इमल्सिफाई करते रहो, तब जाके कहीं ये मेल्ट होता है। इट इज दैट टफ, वंस यू अप्लाई इट टू योर ब्राउज इट विल नॉट बज। मतलब थोड़ा सा जब आप अपने ब्राउज को ऐसे टच करोगे इसको लगाने के बाद, वंस इट ड्राइज तो वो जैसे वैक्स लगाने के बाद वैसा स्टिफ फीलिंग आती है ना, वैसी आती है, बिकॉज तभी आपके ब्राउज शेप में रहेंगे। बट एक बार ये सेट हो गया तो जिस डायरेक्शन में आपने अपने आईब्रो हेयर को सेट किया है वो उसी डायरेक्शन में रहेंगे, दे विल नॉट इवन मूव 1 millimeter हियर एंड देयर, एंड इट इज दैट गुड। एंड दिस कलर ऑल्सो मैचेज मी परफेक्टली, दिस इज डीप ब्राउन, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट यू जस्ट नीड थोड़ा सा अमाउंट, तो ये बहुत लंबा चलेगा। सो अगर आपको आईब्रोज पे यू नो आपकी ऑलरेडी आईब्रोज बुशी है, आपको फिल करने का मन नहीं करता, बट यू वांट टू सेट देम इन प्लेस एंड बी डन फॉर द डे, इसको जरूर एक बार ट्राई करके देखो, आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैं इसे बहुत टाइम तक नहीं ले रही थी बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने लिया एंड आई वाज लाइक व्हाई डिड आई वेट सो लॉन्ग। अभी आपको सेल पे ये 15% ऑफ में 594 रुपीज का मिलेगा, बट इफ यू कैन डेफिनेटली बाय दिस वन, यू विल लव दिस प्रोडक्ट। नाउ टॉकिंग अबाउट अ टिंट, आजकल टिंट का जमाना है, चाहे वो फेस टिंट हो, लिप टिंट हो, चीक टिंट हो, आई टिंट हो, सब टिंट चल रहे हैं। And this is the OG and still my favorite। इतना सा बचा हुआ है, मैं इसे इतना यूज कर चुकी हूँ और ये मैं 2 सालों से यूज कर रही हूँ, उसके बाद जाके ये इतना ही खत्म हुआ है। आज मैंने अपने चीक्स पे यही लगा रखा है, दिस इज सो गुड। ओके अभी मैं इसका एक ड्रॉबैक बता देती हूँ, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है जब आप लगाते हो, यू हैव टू वर्क क्विकली, क्योंकि अगर आपने थोड़ा इसको टाइम दे दिया सेट होने का तो ये वहीं सेट हो जाएगा एंड देन एक पैच बन जाता है। सो यू जस्ट हैव टू वर्क क्विकली। अदरवाइज व्हाट आई डू इज कि मैं मॉइस्चराइज अपने फेस को करती हूँ, एंड जब मेरा फेस थोड़ा थोड़ा मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ऐसे स्लिपरी स्लिपरी सा होता है ना, उसके ऊपर 2 ड्रॉप लगा आई जस्ट ब्लेंड एंड देन डैब 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 डैब, and once it sets there is no budging whatsoever। सुबह लगा लो शाम तक पूरा मेकअप हट जाए भले, ये नहीं हटेगा, इतना ज्यादा ये अच्छा टिंट है। एंड लिप्स पे भी अगेन यू हैव टू वर्क वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि अगर ड्राई हो गया तो पैची लग सकता है। अभी सेल पे अच्छा मिल रहा है, 20% ऑफ पे 439 रुपीज का मिल रहा है, मैंने तो फुल प्राइस में खरीदा था, बट इट इज रियली रियली गुड। इसी के साथ मेरा सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो चुके हैं, बची है सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक। ये 2-3 लिपस्टिक्स हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो नायका की ये जो क्रीमी मैट लिपस्टिक्स हैं, दीज आर वेरी गुड फॉर एन एवरीडे पर्पस। काफी सारे शेड्स हैं, आप अपने पसंद से ले सकते हो। मेरे पास इसमें डे ड्रीमिंग है फॉर दैट न्यूड पिंक, एंड लेट इट स्नूज फॉर दैट न्यूड ब्राउन, एंड ये काफी अच्छी लिपस्टिक्स हैं। ये आपको कॉम्बो में भी मिल जाएंगी सेल पे, सर्च फॉर इट, एंड काफी ज्यादा अच्छी डील पे ये दोनों लिपस्टिक्स मुझे मिल गई थी। अभी ये 30% ऑफ पे 209 की एक लिपस्टिक आपको मिलेगी, एंड फॉर 200 रुपीज इट इज अ रियली गुड लिपस्टिक। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब मैंने तो ये 3 साल पहले खरीदी थी एंड अब इसमें ज्यादा बचा भी नहीं है। लाइक आई हैव यूज्ड एंड अब्यूज्ड दीज लिपस्टिक्स, ये इतनी ही बची है एंड यू कैन सी दैट बहुत ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, एंड दे हैव स्टार्टेड ड्राइंग ऑल्सो। तो अब मैं इनको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ बिकॉज दिस आई स्टिल हैव, सी इसको भी मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे यूज़ कर चुकी हूँ। ब्राउन वाली को मैं अब उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि ड्राई हो गई है, बट द पिंक वन इज स्टिल फ्रेश, तो इसको मैं यूज़ करती हूँ। एंड देन देयर इज़ मेबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक्स, ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, दीज आर सो क्रीमी। ये भी 3 साल पुरानी लिपस्टिक्स है मेरी, एंड दे आर स्टिल सुप्रीमली क्रीमी। एंड मुझसे एक गिर गई थी तो ये तो पूरी शैटर हो गई है, मैं खोल के आपको नहीं दिखाऊंगी, बट दीज the 2 most viral shades, एक है nude nuance और एक है touch of spice। जो touch of spice है वो MAC की जो मेहर लिपस्टिक है उसका वेरी क्लोज ड्यूप है, एंड जो न्यूड नुआंस है इट इज द परफेक्ट ब्राउन न्यूड फॉर मीडियम टू डस्की स्किन टोन। लाइक मेरा जो स्किन टोन है, लुक एट द कलर, आपको लग भी रहा है कि मैंने कोई लिपस्टिक लगाई। इट इज सच अ प्रिटी कलर, ये एक ऐसा कलर है जो मैं रोज लगाती थी। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लिपस्टिक्स दैट आई बॉट विद माई ओन मनी, एंड आई यूज टू वेयर इट एवरी सिंगल डे। चाहे आप बोल्ड आई लुक कर लो, दिस गोज वेल, आप बेसिक आई लुक करो, दिस गोज वेल, इसके ऊपर एक ग्लॉस लगा लो, इट लुक्स स्टनिंग। दिस वन शेड यू शुड डेफिनेटली हैव इफ यू आर समवेयर फेयर टू मीडियम टू डस्की। अगर बहुत ज़्यादा डीप हो तो थोड़ा ये वॉश आउट कर देगा, बट इट इज़ अ रियली गॉर्जियस शेड। एंड अभी ये आपको सेल पे 20% ऑफ पे 263 रुपीज़ की मिल रही है। Definitely get your hands on these two lipsticks. See, I have a lot of lipstick recommendations, but मैं आज की वीडियो में आप लोगों के पास नहीं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो। मैंने पहले लिपस्टिक शेयर की हुई है, वो सब मैं इधर आई बटन में लिंक कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दूंगी। तो अगर आपको और भी रिकमेंडेशंस देखनी है तो आप वो सारी वीडियोज चेकआउट कर लो एंड देन पिक वन ऑफ योर फेवरेट्स और मे बी मोर एंड क्यूरेट अ हैम्पर फॉर योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स और योर गर्लफ्रेंड, वॉट एवर, एंड मेक समवन्स वैलेंटाइन स्पेशल। एंड यस, अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफर चल रहे हैं। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो ऑन नाइका एंड चेक आउट। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी विथ सम ऑफ माई अदर फेवरेट प्रोडक्ट्स एज वेल। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताओ कि आपके वैलेंटाइंस के क्या प्लान है। आई रिस्पॉन्ड टू एवरी कॉमेंट, सो ड्रॉप देम ऑल इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई शैल सी यू सुपर सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।